टाइम देखिए, 8:15 है, ठीक। और नहा ली हूँ मैं तो, कपड़े मैंने अंदर ही सुखाए। कारण ये है कि बाहर का माहौल है। हर्षित के पापा के तो कपड़े बाहर ही डाले ताकि वो थोड़ा सा निचुड़ जाएंगे तो फिर मैं अंदर ही डाल दूँगी अगर ऐसा ही मौसम रहा तो। और आपको मैं दिखा रही हूँ कोहरा, कि सामने वाला घर भी 8 बजे तक दिख नहीं रहा है, इतना कोहरा हो रहा है। ये देखिए कितना कोहरा है भाई साहब, उत्तर प्रदेश की सर्दी है, हमारे राजस्थान में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है। इतनी पड़ रही है सर्दी, अरे मैंने बिंदी भी नहीं लगा रखी। जब मैं अपनी शक्ल नहीं देखती ना तो ऐसा होता है, कैमरे में देखती हूँ। ये कपड़े मैंने यहाँ पे सुखाए जैसे निचोड़ जाएँ, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा गीला गीला कर देते हैं नहीं तो ये। चलिए चलते हैं अंदर, पहले बिंदी लगाऊंगी। सुबह सुबह ना जल्दबाजी में तैयार हो जाओ, देखा ही नहीं चेहरा। पहले बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी के बिना मुझे नहीं अच्छा लगता। चेहरे पे कुछ हो ना हो, बिंदी और लिपस्टिक ये जरूर होने चाहिए। लिपस्टिक भी मेरे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे लिप्स है ना थोड़े से डार्क कलर की, तो जिसकी वजह से ना मैरून कलर के होते हैं ना, ऐसे पिंकिस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे ना लिपस्टिक लगानी पड़ती है। और बिंदी के बिना तो माथा ही सूना लगता है, रौनक ही नहीं लगती है कि चेहरे पे कोई रौनक भी है। और देखिए बिंदी लगाते के साथ ही रौनक सी लगने लग जाती है। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी। मैंने अभी तक पूजा नहीं करी है, मतलब मैंने कृषि को उठा दिया है, नहा ली हूँ मैं, लेकिन अभी बस मुझे आरती करनी है। और यहाँ पर ना पूजा के बर्तन भी ना धुल चुके हैं, बस मुझे ना आरती करनी है ले जा कर के बर्तन। लेकिन मैंने सोचा पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितनी ज़्यादा, मतलब हमारे आगरा में कितनी ठंड पड़ रही है। एक्चुअल में मेरे पास कमेंट आया था कि हम तो फ़ैन चला चला कर सो रहे हैं, तो भाई साहब अगर हमने फ़ैन चला लिया ना तो बस हमारा तो राम नाम सत्य ही हो जाना है। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चीज़ को जगह पर रख दो तो सही रहता है, टाइम पे मिल जाती है, नहीं तो, क्योंकि वैसे भी हमारा ये बक्सा है ना स्टोर रूम बन चुका है, मतलब यहाँ पर ही कपड़े पड़े रहेंगे, यहाँ पर ही सब कुछ। और आजकल तो मैं सब्ज़ियाँ भी यहाँ पर ही रखती हूँ क्योंकि फ्रिज से ज़्यादा ठंडक मुझे ऐसा लगता है बाहर हो रखी है, तो फ्रिज में रख करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रिज में वैसे भी ऑक्सीजन नहीं होती है, तो फ्रिज में रखी हुई चीज़ तो वैसे भी कम ही खानी चाहिए, इसलिए मैं बाहर ही रख देती हूँ। तो चलिए मैं आरती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। आज देर इसलिए हो गई है क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी आज ना, क्योंकि हर्षित की आज छुट्टी थी। वैसे आज है क्रिसमस, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। अब ये मत कहिएगा कि हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं, सब त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सेलिब्रेट करो या ना करो, लेकिन मुझसे जुड़े हुए हर इंसान, मैं धर्म को ना वो नहीं करती हूँ कि धर्म को प्रचारित कर रही हूँ या धर्म को लेकर के वीडियोस बना रही हूँ, नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो मेरे चैनल पे आ सकता है, बस वो कृष्ण भक्त हो, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्त हूँ। जैसे होता है ना कि एक अक्षय कुमार है, एक सलमान खान है, एक आमिर खान है, एक वरुण धवन है, तो इनमें से आपको कौन पसंद है? तो जैसे मुझे कृष्ण भगवान पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, बातें नहीं करते हैं। हमारे कृषि है ना
वेट कर रहे हैं। ये हमारे बैठे लड़ाके फिर बैठे। यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं आलू, साथ में यहाँ पर मेरे पास मूली आई हुई थी तो मैंने यहाँ पे मूली कस के रख लिया। या तो पराठे बना लूँगी या मूली कस बना लूँगी, कुछ तो बना लूँगी, जो भी बनेगा मूली कस के ही बनेगा, इसलिए मैंने कस ली। और यहाँ पर मैंने ना प्याज भी है ना बारीक बारीक कट कर लिया है। क्योंकि कल आई थी ब्रेड और ये बोल रहे थे सैंडविच की, तो मैंने सोचा कि आलू बॉईल कर लेती हूँ, प्याज कट कर लिए, सैंडविच बन जाएंगे। तो ये अभी सुबह सुबह का तामझाम। तो अभी ऐसे तो खैर मेरे पास है ना सैंडविच मेकर है, एक तो जो लाइट से चलता है वो और दूसरा गैस वाला भी, लेकिन है ना मैं फिर भी तवे पर ही बनाती हूँ देसी स्टाइल में, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि इस तरह से बर्तन कम होते हैं। और जो बिजली वाला होता है ना उसके अंदर तो फिर ना उसको साफ़ करने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको साफ़ कर रही कैसे, और फिर उसके अंदर लाल कीड़े लगने का डर रहता है क्योंकि अन्न पे कीड़े जल्दी लग जाते हैं ना, तो इसलिए। और जो दूसरा वाला है सैंडविच मेकर, उसमें एक बार में एक ही बनता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तवे पर बनाना ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ना सॉस वगैरह नहीं बनाई है, मैं टोमेटो सॉस के साथ में ही काम चला रही हूँ। तरह से सारे बना करके रख लिए हैं, जल्दी जल्दी से सिक जाएंगे। मैं ना चाट मसाला मंगाऊंगी, चाट मसाला इसके ऊपर बुर को तो अच्छा लगेगा। हाँ बेटा बोल, ट्यूब लग जाती है ना उसमें उसमें लगाने का। कौन सा ट्यूब बेटा? अरे जैसे जे यहाँ पर पन्नी छबक जाती है पन्नी है ना। ये आज मैं आपको मिलाती हूँ सेंटा से। ये देखिए, ऐसा सेंटा देखा है कभी आपने? कुछ बोलो तो सही सेंटा। जिंगल बेल जिंगल बेल, ये सेंटा कुछ नहीं बोलता। शाम हो चुकी है दोस्तों और दोपहर में थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी, कपड़े वगैरह धोए थे। आज हर्षित के कपड़े हो गए थे बहुत सारे, आज उसने शूज़ स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह सब धुलाए थे, क्योंकि वो अभी ना एक दो दिन की छुट्टियाँ थी ना तो वो क्रिकेट वगैरह खेलने जा रहा था, तो जूते वगैरह भी इतने गंदे हो रहे थे तो वो सब धोए। उसके बाद में मैं सो गई थी। और यहाँ पर अभी बन रही है शाम की चाय अदरक वाली, और ये वाला फ्राई बन है ना इतना प्यारा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर बाई चांस आप तेज करके और बाहर चले गए हो ना और तो ये बिल्कुल भी उफानेगी नहीं, इतना अच्छा ये फ्राई बन है। आई नो और आई एक्सेप्ट भी कि है ना जो ये नॉन स्टिक होते हैं ये बर्तन अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने ना मेरा अच्छा निकला है। और एक ये वाला जैसे मेरे पास, तो ये मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला था, थोड़े ही दिनों में इसने अपनी जो अंदर की ये बॉटम दिख रहा है इसके ऊपर से स्किन छोड़ना शुरू कर दिया था। तो लोकल के अंदर भी दो तरीके के आते हैं, मतलब कि जैसे वो कहावत सुनी होगी ना कि चल चाइना का माल ऐसा होता है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक भी नहीं चले, वही वाली कहानी थी इसके साथ में। तो यहाँ पर अभी बन रही है अदरक वाली चाय, बढ़िया सी खुशबू भी मस्त आ रही है। जो डॉग है उसके लिए आप लोगों ने इतनी दुआ करी, उसके लिए थैंक यू सो मच, भगवान बस उसको अच्छा सा जन्म दे जहाँ पे उसको बहुत प्यार मिले। और जयपुर में तो मतलब मेरे मायके में तो वहाँ पर तो भैया भाभी और सब लोग ना इतने ज़्यादा रो रहे हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं, घर एकदम से सूना सूना कर गया है, तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा। भैया का तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, भैया तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बारे में यही सोच सोच के भैया के बारे में ज़्यादा सोच सोच के मुझे ना वो हो रहा है कि ना अपने बेटे की तरह रखते थे, मम्मी पापा बुलाते थे भैया और भाभी उसको कि ये मैं मम्मी हूँ ये पापा है, मैं जाती थी मुझे बोलते थे कि ये बुआ है।
और पता है मैं तो है ना ज़्यादा रही भी नहीं हूँ, तब भी मुझे ना इतना दुख हो रहा है, तो सोचिए उन लोगों के ऊपर तो क्या ही बीत रही होगी। मेरी तो होते फ़ोन करने की भी हिम्मत नहीं होती कि मैं क्या ही बात करूँगी। इसलिए पता है मैं हमेशा भगवान से बोलती हूँ कि भगवान हमारे तो पूरे परिवार में ना, यहाँ ससुराल में भी और मायके में भी, कभी भी किसी को भी कुछ भी होना हो ना तो सबसे पहले मुझे ही हो, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना हैंडल नहीं कर सकती ना, मैंने कब डील नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें। आज पता है ये ठक ठक ये कर रहे हैं हर्षित के पापा, ऊपर कुछ काम कर रहे होंगे कुछ, मतलब जैसे दुकान में सामान आता है ना तो लकड़ी का भी सामान जैसे ना होता है, चौकी वगैरह भी बेचते हैं, तो किसी किसी की चौकी का जैसे पैर वैर निकल जाता है ना तो ये ठीक कर लेते हैं, तो वही करते हैं ये। खाना वगैरह डन हो चुका है, मतलब कि हर्षित ने खा लिया है और हर्षित के पापा आएंगे तभी मैं गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी। और अभी फ़िलहाल मैं पता है क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरे पास में रखी हुई थी मिर्चियाँ, इस तरह से मोटी मोटी मिर्चियाँ आई हुई थी मेरे पास में, तो आई तो पहले से ही थी, जब शादी कई ब्लॉग्स आ रहे थे ना उस टाइम पे ही आ चुकी थी, उससे पहले ही मतलब उस टाइम पे ही आई थी, बीच में तो टाइम नहीं मिला था, तो मैंने इनकी डंठलें हटा दी थी, अदरवाइज इन्हें अचार डालो ना तो डंठलें भी होती हैं तो अच्छा लगता है, मतलब पकड़ करके निकालो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर डंठलें ही हटा दो तो ज़्यादा मतलब इसकी ना लाइफ टाइम जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने डंठल हटा दी थी। अभी फ़िलहाल मैं ना ऊपर से तो ये पैक ही है और नीचे से ही पैक है और बीच में से मैं चीरा लगा दे रही हूँ ताकि इसके अंदर मसाला भर सकूँ, और मसाला मैं होममेड मतलब कि घर का बना हुआ नहीं करूँगी, मैं बाज़ार का बना हुआ मसाला डालूँगी। तो ये वाला मसाला है जो बना बनाया आता है, तो हरी मिर्च का अचार का मसाला नाम है इसका, ऐसे इस तरह से आता है ये, तो ये वाला मसाला जो है इसको बस इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल करके, मतलब इसको थोड़ा सा गीला टाइप कर लेना है जिससे कि भुरभुरा सा रहता है ना ये मसाला, तो भुरभुरा सा ना रहे इसके लिए तेल गरम करके इसके अंदर डालना है ठंडा करके तेल, और फिर इसके अंदर भर लेना है, बाकी ऊपर से फिर थोड़ा सा तेल डालते हो तो बहुत ईजी और बहुत इंस्टेंटली है ना बन जाता है ये वाला। और अगर जैसे गल जाती है मिर्चें तब भी अच्छा लगता है, और नई नई मिर्चियों का मतलब जैसे आज डाल करके आज ही खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर आप है ना घर का बनाना चाहते हो इस तरीके का मसाला तो उसका भी मैंने ना वीडियो पहले ऑलरेडी डाल रखा है, अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनकेस अगर आपको है ना ये वाला मसाला नहीं मिलता है तो, अदरवाइज़ ये वाला मसाला भी बहुत अच्छा है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर मैं बस पता है क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चीरा इनके अंदर, मतलब ये इस तरीके से है ना, तो इस तरह से बीच में से, अगर इनमें अंदर की साइड बीज हो तो उनको भी निकाल दो ताकि इनके अंदर मसाला भर जाए। मोटी मोटी मिर्चियाँ देखते ही किस किस को ऐसा लगता है कि हमें अचार डाल लेना चाहिए, मैं तो जब भी ये मोटी मोटी मिर्चियाँ देखती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है बस मैं मसाला ना वो अचार बना लूँ हरी मिर्ची का, और पता है राजस्थान की साइड पे तो ना इतनी मोटी मोटी मिर्चियाँ आती हैं, वैसे मैंने यहाँ यूपी में भी देखी हैं इतनी मोटी मोटी मिर्चियाँ आती हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा लगता है मसाला, क्योंकि उसके ना मसाला ज़्यादा भर जाता है ना इसलिए। पर एक्चुअली मैं आपको बताई थी कि ये 40 रुपीज़ इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, और लेकिन ये ना मेरा लास्ट ईयर का है तो शायद इस साल रेट बढ़ जाए, कंपनी भी दूसरी मिल सकती है, लेकिन हरी मिर्च के अचार के नाम से मसाला लाओगे तो मिल जाएगा। और इसके अंदर ये बताई थी कि नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से आपको बनाना है। और ये मिर्चियाँ मेरी आधी किलो नहीं है, ये आधी किलो मिर्चियों के लिए है, अगर ना ये कम है इसलिए मैं कम ही मसाला डालूंगी। और यहाँ पर इसके अंदर से भी अच्छा खासा धुआं निकलने लग गया है, तो बस इस पॉइंट पर आकर के इसे बंद कर दूंगी।
में से सारी मिर्चियाँ जो है वो भर गई हैं, बस है ना ये चार मिर्ची बची हैं ये, तो इन चार के लिए मैं मसाला नहीं बना रही हूँ और, क्योंकि ये सब्जी वगैरह में डल जाएंगी। और ये हो गई हैं तैयार, तो बस डल गया, इतना ईजी है देखिए। अब इसके बाद में बस हमको करना क्या है, एक पॉट के अंदर इनको भरना है। तो लीजिए तैयार है इंस्टेंट मिर्ची का अचार। तो ये रहता है कि साइड में ना, जैसे कोई एक सब्जी बनाई है तो साइड में इसको रख दो तो अच्छा लगता है, और सर्दियों में ही डालना अच्छा लगता है ऐसे अचार वगैरह। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। और मैंने ना, मुझे ना जब मैं कल वीडियो बना रही थी ना और मैं अपने डॉगी के बारे में बता रही थी, तो मुझे कहीं ना ऐसे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं आप लोग कैसे लोगे इस चीज़ को, क्योंकि ये ना जो मैंने कही है ना, मतलब भागवत में या मतलब जो महाराज जी वगैरह सुनाते रहते हैं ना भागवत, तो उनमें उन्होंने कहा था कि ना कुत्ते को पालना नहीं चाहिए जो है ना भगवान को मानते हैं उनको। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे तो सभी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं ये सारी चीज़ आपको बोलूँगी तो पता नहीं आप मेरी फीलिंग को समझोगे या नहीं समझोगे, पता नहीं मेरी इस बात को कैसे लोगे। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को ना समझा और मेरे दुख में शामिल हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये डेली के व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। घर के अंदर ही रहती हूँ और घर के अंदर ही अपने डेली के व्लॉग्स बना करके आपको देने की कोशिश करती हूँ। सिंपल व्लॉग्स होते हैं, आई नो कुछ लोगों को बोर भी करते होंगे, लेकिन अब जैसी लाइफ है वही मैं शेयर करती हूँ, कुछ झूठा या दिखावा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो पसंद आते हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा। Thank you.